गाइस बिगिन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो V29 फोन में लॉक स्क्रीन पोस्टर सेटिंग गाइस कैसे इनेबल करें। गाइस अगर आप भी अपने फोन में लॉक स्क्रीन पोस्टर सेटिंग गाइस इनेबल करना चाहते हैं, एक्चुअली गाइस अगर आप कर नहीं पाते हैं ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल सेटिंग गाइस करके बता रहा हूं अपने फोन में लॉक स्क्रीन पोस्टर सेटिंग कैसे इनेबल कर सकते हैं, अपने फोन में लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज कैसे कर सकते हैं। आप देखिए जितनी बार अपने फोन में गाइस पावर बटन गाइस प्रेस करेंगे उतनी बार आपके फोन से बिल्कुल वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा ठीक है। तो लॉक स्क्रीन पोस्टर सेटिंग इनेबल कैसे करना मैं आपको गाइस करके बता रहा हूं ठीक है। सेटिंग गाइस ओपन कर लेना, ओपन जब गाइस करेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे लॉक स्क्रीन वॉलपेपर का ऑप्शन है, यहाँ पर गाइस क्लिक लेना। उसके बाद आपको नीचे मिलेगा लॉक स्क्रीन का ठीक है, लॉक स्क्रीन सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर गाइस क्लिक लेना ठीक है। लॉक स्क्रीन पोस्टर का ऑप्शन है, यहाँ पर गाइस क्लिक कर लेना। क्लिक गाइस करेंगे ऑटो अपडेट और ऑटो रिमाइंडर्स का ऑप्शन है ठीक है, दोनों सेटिंग को इनेबल गाइस कर लेना। इनेबल जब गाइस कर लेंगे बिल्कुल यहाँ पे नया नया वॉलपेपर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा ठीक है। लॉक स्क्रीन पोस्टर का पोस्टर वॉलपेपर का जो ऑप्शन है अगर डिसेबल इसको आप करके रखें, इसको भी इनेबल गाइस कर लेना ठीक है। इनेबल कर लेंगे, अब जितनी बार अपने फोन में पावर बटन गाइस प्रेस करें तो देखिए जितनी बार अपने फोन में गाइस पावर बटन प्रेस करते हो उतनी बार हमारे फोन में लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर ऑटोमेटिक बिल्कुल गाइस चेंज होकर आ रहा था ठीक है। अगर आप भी अपने फोन में लॉक स्क्रीन वॉलपेपर गाइस ऑटोमेटिक चेंज करना चाहते हैं ऐसे सेम सेटिंग करके